तो भाई ये देख लो, इसका कुछ ऐसा मीटर होने वाला है, इंटीरियर होने वाला है। तो अभी अपनी ग्रीन कलर बुक होगी 4x4 ये होगी गौरव शर्मा के नाम से बुकिंग अपनी। भाई फाइनली हमारा फॉर्म भर चुका है। अच्छा, तो भाई यहाँ पे रिसेंटली एक एक्सीडेंट हुआ है, भाई गंदा ही एक्सीडेंट हुआ है, गाड़ी देख रहे हो। यो 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 मेरे जिगर के, चलो कैसे आप सब आराम देख रहे हैं आपका अपना बिशु 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 गौरव जोन। तो गाइस फाइनली अपन जा रहे हैं जिमनी बुक करने, मम्मी अभी घर पे नहीं है। एक्चुअली क्या हमारी रिश्तेदारी में कोई ट्रेजिडी हुई थी तो मम्मी उठ के चली गई थी, तो भाई हमारे रिश्तेदारी में 1.5 करोड़ का चूहा लगा भाई। अब यार क्या हो गया पता लग गया तो भाई चोरी होगी घर में, क्या करूं बताना तो पड़ता है ना मेरे भाई, 1.5 करोड़ कोई हलवा नहीं है ना। मम्मी गई है तो अभी सीन ऐसा है, जिन्नी गाइस नई लॉन्च हो रही है, बट मेरे दिमाग में एक प्लान है कि अपन ना डैडी की जो वैगन आर है ना उसको देके और जिन्नी की किस्त बांध लेंगे, वो वैगन आर भी 3-3.5 लाख की चलेगी, वही डाउन पेमेंट कर देंगे और बाकी किस्त बांध लो 10-15 हजार रुपए की और मेरी जिन्नी गाड़ी आ जाएगी, उस पर बढ़िया कॉन्टेंट हो रहा है, मेरे पास थार भी हो जाएगी जिन्नी भी हो जाएगी है ना। तो अभी चलते हैं गाड़ी देखते हैं और उसकी बुकिंग करा के आते हैं। तो गाइस सीन ऐसा अभी कि अभी अपने को जाने जिन्नी बुक करने, आज मम्मी के साथ जाना था बट ना मेरे रिश्तेदारों के अगर बहुत तगड़ी ट्रेजेडी होगी। तो मम्मी कितने बजे चली गई थी, सुबह सुबह 6 बजे चली गई थी, सुबह 6 बजे चली गई थी। तो अभी सीन ऐसा भाई मेरा, मैं हो गया हूँ बैंकक्रप्ट, 2 महीने से मेरे पे पैसे नहीं है क्योंकि मैं जो घर लिया उसमें सारी किस्तें विश्ते चली जाती है फिर गाड़ियों की, तो अभी मेरे पे पैसे नहीं है। तो अब क्या पैसे बचाएंगे, अपन चलाएंगे ओला स्कूटर फ्री का। इसकी क्या फास्ट चार्जिंग वाले भी है ना, इसमें हाइपर चार्जिंग भी अनेबल कर दिया इन्होंने, हाइपर चार्जर क्या। अच्छा वो क्या था अपडेट, क्या आया था अभी, अभी आया था इसमें बहुत सारे नए फीचर आए हैं देखो। ठीक है, पहले तो इसमें अपडेट में आ गया वाईफाई का ऑप्शन, फिर इसमें साउंड्स का ऑप्शन आया, इसमें क्या थीम डाल दी। अब जो लोग चलाते थे उनको इश्यू ये होता था कि इलेक्ट्रिक स्कूटी चला रहे हैं तो इसमें साउंड नहीं आती थी, एक्सीडेंट का ज्यादा खतरा रहता था। तो तुम अब साउंड की वॉल्यूम कर सकते हो, अब जैसे तू ये चलाएगा ना तो आवाज आएगी बट 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 जैसे करियो करियो करियो। ये बड़ा सही है, स्पीकरों में से आवाज आ रही है, तो भाई स्पीकरों में से आवाज आ रही है देखो। तो ये चलते वक्त आएगी बट ये बैटरी ज्यादा कंज्यूम करेगी ना, अपन इससे चलेंगे। और इसमें हाइपर चार्जिंग पहले आती थी, हाइपर चार्जिंग पहले नहीं आती थी, अब इन्होंने अनेबल कर दिया। तो कैसे कैसे करिए, वो अपडेट के थ्रू करिए। अब क्या है, हाइपर चार्जर जैसे पेट्रोल पंप होता है उसके हाइपर चार्जर लगा दिए, वहाँ पे जाओ स्कूटी खोलो और 15 मिनट में आपकी स्कूटी 0-50% वो चार्ज कर देता है। तो भाई अभी देखो, अभी अपन पहुंचने वाले हाइपर चार्जर पे, अभी ट्रैफिक में हम, अब देखो कितनी देर में पहुंचते हो कितनी देर में, अभी 88% होगी भाई, माँ की कसम बहुत जल्दी आती है इसकी बैटरी। इसमें दिखाएगा ना मान लो 200 की रेंज दिखाएगा तो ये खाली 140 और 150 ही चलेगी और उससे भी 120 ही चलेगी। जब तक भाई इनकी रेंज है ना 500-600 किलोमीटर तक की नहीं आया ना स्कूटी बाइकों की, जब तक मत लेना भाई इलेक्ट्रिक स्कूटी, क्योंकि फिर वर्थ नहीं है बार बार ही। सर 100 किलोमीटर भाई कितने होते हैं, गुड़गांव इससे दिल्ली आने जाने में 100 किलोमीटर हो जाएगा लेगा भैया गली गैंग। तो भाई अभी अपन आ गए हाइपर चार्जर का, येरा जल्दी जल्दी घेर। अरे भाई साहब कितनी देर से बैठो भाई साहब, अच्छा कितनी परसेंट है स्कूटी, कितनी 100 कितनी देर में हो जाएगी। रुको भाई ये देखो 80% 83% है, 100% दिखा रहा है ये, अभी 431 हो रहे हैं, कब तक दिखा रहे हैं 6 बजे तक, यानी कि डेढ़ घंटे में 17% चार्ज होगी, 1.5 घंटा दिखा रहा है भाई 100 होने में 83 से, देखते हैं है? आपकी 70 प्लस है ना चार्जिंग, हाँ अच्छा। तो भाई ये देखो 10 मिनट में खाली हुई है, 83 थी 86 हो गई है, 3 चार्ज हुई है 3% कितने 10-15 मिनट में। तो भाई यही कह रहे हैं 0 से 70 तक ये कारगर है हाइपर चार्जर, अदरवाइज 80 के बाद तो नॉर्मली चार्ज होगी। तो भाई ठीक है क्या करते हैं, चले भाई भाई। अभी अपन आ गए हैं नेक्सा अपनी बुकिंग डालने,
एक्साइटेड है भाई। सुजुकी नेक्सा तो बस ये आ गए भाई, ये देखो भाई मारुति सुजुकी नेक्सा, देखते हैं अभी जिन्नी अंदर है कि नहीं है भाई, जिन्नी होगी तो भाई टेस्ट राइड भी लेंगे। तो अभी हमारे यश भाई है यहाँ पे, तो हमारे कुछ भी मारुति की गाड़ी खरीदते हैं तो यश भाई से ही खरीदते हैं। तो ये है हमारे यश भाई, कैसे हो यश भाई? बहुत बढ़िया भाई, आप बताओ कैसे? तो यश भाई अब हमने जिम्मी के लिए आपको यूज करा है, तो जिन्नी कब तक आएगी, क्या चल रहा है, क्या सीन है उसका? भाई अभी तो बुकिंग स्टार्ट है गाड़ी की, अच्छा, अभी कोई हमारे पास डिलीवरी का टाइम रखा नहीं है, बाकी वेटिंग पे रहेगा। तो भाई अभी भी अपन बुक करने आए हैं, कितनी बुकिंग अमाउंट कितनी है? बुकिंग अमाउंट 25,000। 25,000 रुपए, अभी 25,000 रुपए हम देंगे इन्हें और गाड़ी बुक कराते हैं। तो भाई अभी अपन क्या है भाई, वो देख रहे हैं जिन्नी है कैसी। तो भाई पूरा आईपैड आईपैड में दिखा रहे हैं भाई, नेक्सा वाले भाई महंगा सौदा है। तो भाई ये कलर कितने कलर आ रहे हैं भाई, यही वाला कलर लिया जाए क्या? भाई कलर तो इसमें काफी सारे, सबसे ज्यादा बुकिंग किसकी हो रही है? इस कलर की, ब्लैक कलर की हो रही है। अच्छा, तो भाई अभी कॉफी पीते हुए देख रहे हैं भाई, आईपैड में दिखा रहे हैं भाई, महंगा सौदा है भाई नेक्सा का। कौन सी बुक कराई थी? ब्लैक देख अपन पे थार ऑलरेडी है, ग्रीन ना। तो भाई ये देख लो, इसका कुछ ऐसा मीटर होने वाला है, इंटीरियर होने वाला है भाई, बड़ा सही है यार। इसमें भी थार की तरह बीच में वो दे रखा है देखो, और ये मैनुअल वाला वेरिएंट है, ऐसा रहेगा बीच में कुछ इंटीरियर। तो भाई ये देखो दो मॉडल आने वाले हैं, जेटा और अल्फा, और इसमें बस यही फर्क रहेगा। देखो ये देखो ये सारे फीचर्स का, हेडलैम्प, हेड वॉशर भी आ रहा है भाई, जो महंगी गाड़ियों में आता है। और देख लेना भाई स्क्रीनशॉट लेके, पता लग जाएगा आपको कि कौन दो वेरिएंट आ रही है, इनमें कौन कौन सा फर्क है, कौन कौन सी चीज। भाई देखो ये कलर आने वाले गाड़ी के, ज्यादातर तो ब्लैक बुक हो रही है और ग्रीन, मैं भी सोच रहा हूँ ग्रीन करा लूं, तो मैं ग्रीन के पैसे दे रहा हूं। अच्छा बाद में कलर चेंज हो जाएगा या नहीं होगा? हो जाएगा। अच्छा तो खैर कलर आप मेरे को एक बार कमेंट करके बता देना भाई, कलर अपने को कौन सा बुक कराना चाहिए। अभी तो ना अभी अपन टॉप मॉडल करा लेते हैं बुक, ठीक है? इसकी 25,000 रुपए की बुकिंग है सभी की 25,000, तो वह अभी अपन बुक करा लेते हैं। एक बारी कमेंट में मेरे को बताया ना कौन सा कलर अपने को लेना चाहिए, इतने सारे कलर मैंने आपको दिखाई दिए। कर रहे हैं फॉर्म और बुकिंग अमाउंट डाल के बुकिंग कर रहे हैं अपन। तो फाइनली गाइज मैं एक्साइटेड हूँ, 3 महीने हैं मेरे पास और कोशिश करेंगे इन दिल्ली की पहली या गुड़गांव की पहली जिन्नी अपन निकालें। और एक चीज़ और मैं बता दूँ भाई, भाई से ना अगर आप बुकिंग कराते हो फायदा ये रहेगा, आपको हर कार में एक्स्ट्रा डिस्काउंट देंगे। जो आप पूरी मारुति में पता करिया ना, जो कोई बंदा डिस्काउंट नहीं देगा वो भाई देगा। मैं एक बार मेरी बात मान के देखना, तो भाई का नंबर और नाम स्क्रीन पे आ रहा है, भाई को कॉल कर लेना, ठीक है भाई? सो गाइस अभी मैं आ गया हूँ घर, और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता दो, अभी अपन निकलने वाले हैं। बहन जी आ गई है, राधे राधे बहन जी, नमस्ते। नमस्ते। तो क्या बना रहे हो आज? शाही पनीर। अच्छा शाही पनीर, चावल और रोटी, रोटी। तो पैक हो रहे हैं ये, तो अभी क्या है अपन, मैं खा के भी जा रहा हूँ, पैक करा के भी जा रहा हूँ, क्योंकि भाई 500,000 रुपए की चपत बच जाएगी, क्योंकि मैं सुबह 6 बजे पहुंचूंगा, अभी बज रहे हैं 9:30 तो बजी गए। तो अभी ये है मेरा सामान, एक ये बैग जा रहा है कपड़ों का, ये कैमरे का है, इसमें चार्जर चूर्जर सारे हैं, ठीक है। एक हीटर ले जा रहा हूँ, क्योंकि जो होटल वाले हैं ना वो बड़े चिक चिक करते हैं, तो मैंने हीटर साथ ही ले जाऊं। और एक मेरा बैग ये है। तो अभी क्या कि थार पे कैरियर लगा लिया था, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं होगी। और बाकी अपन पियेंगे मॉन्स्टर ड्रिंक रास्ते में, तो उसके लिए रख लेते हैं मॉन्स्टर ड्रिंक। तो हमारे साथ एक स्पेशल लड़की भी जा रही है, उस लड़की को भी दिखाएंगे, रिवील करेंगे अभी। तो अभी अपन आगे हैं नीचे, और भाई ये देखो अब सामान पूरा भरपूर आ रहा है अपनी थार में, और ये छोटे छोटे थैले अंदर रख लेंगे। तो अभी अपने क्या चला के करिए, एक तो ऊपर बांध लिया, और यहाँ पे भाई इस बेस ट्यूब को ना इधर कर दो, आ जाएगी। क्यों? क्योंकि इधर फिर पूरा खाली हो जाएगा ना ब्रो। भाई ये रहा सामान और वो रहा सामान, और ऊपर सामान ने अंदर गाड़ी पूरी भर दी है। तो चले भाई ट्रिप के लिए, इस मेमोरेबल ट्रिप के लिए। डॉलर कह रहा है मैं भी चलूंगा, डॉलर भाई वो देखो, वो रहा डॉलर, वो जा कर डॉलर। तो भाई ये देखो, ये मेरा पूरा ना बैग कैंपिंग वाला, मतलब कार्टन है, इसमें मैं कैंपिंग का सामान लाया था भर के। तो ये बड़े बड़े बैग हैं, इसमें से ये एक्चुअली क्या है, मेरा जो पुराना घर था ना वो ये रहा देखो अभी। तो इसकी कुछ ऐसी हालत हो रही है, स्टोर रूम बना रखा हमने। तो अभी हमने कैंपिंग का सामान निकाल लिया, इसमें हम बहुत बढ़िया 24 आवर्स इंस्टॉल करेंगे। ये देखो इसमें पूरा सब ऑक्सीजन सिलेंडर, सब स्नो चेन, टेंट, स्लीपिंग बैग, सब। बड़ा मजा आने वाला है नहाने का सौदा। तो भाई अभी अपन जा रहे हैं अपनी दोस्त को उठाने, और अभी बज रहे हैं रात के 12। गैस करो कौन है, कौन आने वाली है भाई, मजा आ जाएगा उसके साथ ट्रिप पे। उसके साथ क्या मतलब, जो जो कंटेंट हम सोच के जा रहे हैं ना, बहुत बढ़िया से कंटेंट बनाने वाले हैं 3-4 दिन के लिए, क्योंकि बर्फ का ना लास्ट यार क्यों रहा है। तो फाइनली गाइस जिसको अपन लेने आए थे, अपन ने उसको पिक कर लिया है, और वो है मेरी पुरानी दोस्त। आवाज से फटी आवाज से सुन गए हो गए आप, मेरी बहुत अच्छी आवाज है। अच्छा एक बार करना, ये रही मैं। अच्छा तो चले, चलो कहाँ चल रहे अब? शिमला भाई, जो मोस्ट अवेटेड कंटेंट था। वाह वाह, ले ले भाई दिलवा का और विमल ले ले, तेरी फेवरेट चीज है। तो भाई अभी चल रहा है, इसको अपन ने पिक कर लिया, अब निकलते हैं शिमला के। अभी हो रहे हैं
12:30 हो गए और निकलते हैं अभी। चले मैडम कहाँ थी इतनी गायब, चलो गाड़ी में बात करेंगे। इसने एक महीने तक व्लॉग ही नहीं डाला भाई, है ये जेलसी फील कर रही थी ये रोस्टर्स से। तो गाइज आकाश भाई को आप देखो मैं क्या क्या, लोग इसको पेप्सी की नहीं पूछते, मैं इसके लिए मॉन्स्टर ड्रिंक लेके आया हूँ, 3 दिन लेके आते हैं। क्या 150 की सेल में से लाया था, 150 की 6, मुझे पता नहीं है क्या, दो के साथ 2 फ्री मिलती थी भाई। बताओ बंदे ऐसा, मैं मॉन्स्टर पिला रहा हूँ, कह रहे हैं खत्म करने के लिए लाया। जब स्टॉक क्लियरेंस सेल लगती है ना, इनकी एक मार्केट है हाइप, क्या है वो, हाइपर मार्केट, राज मंदिर, हाँ राज मंदिर, वहाँ से उठा के लाया, मेरा गया बाबाजी कर रहा है भाई। इसको 100 रुपए की मॉन्स्टर पिला रहा हूँ, ये कह रहा थोके बाप में लाया, और एक्सपायरी भी, एक्सपायरी तेरी ज्यादा एक्सपायरी है इसकी, 2050 तक चलेगी, तो इस पे लिखा तो हुआ है। देखिए एक्सपायरी कब है घर में। एक्चुअली गाइस क्या है, ये मैं लाया था, सही कह रहा, सेल में लाया था, वो कोई खत्म नहीं हुई, तो मैंने कहा ट्रिप पे जा रहे हैं तो 10 बोतलें मैंने रख ली, मैंने इस बहाने खत्म भी हो जाएंगी इनके मुंह बंद हो जाएंगे भाई, बंदा मॉन्स्टर एनर्जी पिलाता है। हमें तो कोई एक खत्म हुआ, फिर कोई ना, तुम ही हो, पियोगे तो पी नहीं भी तो तुम्हें मॉन्स्टर, पानी पी ले, पानी पी लूंगा। कितनी है, फूल रही है क्या, है ही नहीं। तो भैया आगे टोल टैक्स पूछता हूँ भाई साहब, बैग रखे हैं ऊपर या उड़ गए, सारे रखे हैं, चलो जी थैंक यू जी। तो बैग तो रखे हुए हैं भाई, हाँ सही में। तो अभी अपन बढ़िया क्रूज करते हुए आ रहे हैं 100-120 पे, आराम से चलते हुए धीरे धीरे। बट भाई जब से मैंने बीएमसी का फिल्टर डलाया ना भाई, एवरेज मेरी 10 पे आ गई है, पहले मेरी देती थी 13 हाईवे पे, 13-14 तक देती थी, हाँ 15 कैची हाईवे पे भाई, 10 आ गई है भाई, माँ की कसम मैं हटवाऊंगा बीएमसी के फिल्टर को भाई, बेकार रिस्पॉन्स है, देख रहे हो हाईवे पे 10 की एवरेज मात्र। अब मैं अभी सर्विस के लिए जाएगी गाड़ी 10,000 पे, तो मैं उसको नॉर्मल फिल्टर ही लगवा लूंगा भाई। गाड़ी में ना, इस गाड़ी में कुछ मैं छेड़छाड़ी करना, जो स्टॉक बना के दिए ना कंपनी ने, बहुत बढ़िया बना के दिए, मैंने इससे पंगे लिए तो दिक्कत हो गई। तो भाई ये अभी आ गया अम्बाला, और भाई करेक्ट अपन पहुंच गए हैं भाई, 4 बजने में अभी 15 मिनट, और ये लो जी लेफ्ट हो ली अपन। और भाई यहाँ पे डीजल इतना सस्ता है, दिल्ली से 5 रुपए सस्ता है, दिल्ली में 89 कुछ है, मतलब 4.5-4 रुपए सस्ता है, यहाँ पे देखो भाई 85 रुपीज समथिंग है, तो भाई 5 रुपए सस्ता भाई बहुत किफायती होता है भाई। तो मैंने इसलिए दिल्ली से टंकी फुल नहीं कराई थी, मैंने यहीं आके फुल कराई थी, दिल्ली में 2,000 का डलवा के आया था, उस काम चलो यहाँ पहुंच जाए। तो भाई यहाँ पे रिसेंटली एक एक्सीडेंट हुआ है भाई, गंदा ही एक्सीडेंट हुआ है, गाड़ी देख रहे हो पलटी है, और ये पुरानी ब्रिज ही है भाई, इस चक्कर में रोड पूरी बंद करी हुई है, बस बंदा बच गया हो भाई, देख रहे हो वहां से टुकती हुई आ रही है, ये देखो यहाँ भी टुकी है गाड़ी। तो भाई इसलिए बोलता है गाड़ी आराम से चलाया करो, क्योंकि मोड़ है ना, इसने बंदे ने पी रखी होगी, तो इसलिए बस बच गया होगा बंदा, क्योंकि ज्यादा डैमेज नहीं है गाड़ी में। तो अभी हमें शिमला पहुंचने में लगेंगे 5 घंटे, और व्लॉग हो गया है बड़ा, कल वाला व्लॉग गाइस जरूर देखना, क्योंकि कल वाले व्लॉग बहुत अमेजिंग होने वाला है, इंडिया का सबसे हॉन्टेड व्लॉग होने वाला है, जो कल मेरे चैनल पे आएगा, टनल नंबर 105 शिमला का। एक बार आप गूगल पे सर्च करना उसकी स्टोरी, और कमेंट में बताना कि क्या है उसकी स्टोरी, ठीक है। तो कल मिलते हैं आपको शाम को 7 बजे उस ब्लॉग के साथ, फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ये लाल कलर बटन दबाकर सब्सक्राइब करना है, बेल ऑप्शन जरूर दबा देना, उसके नोटिफिकेशन आ जाएगी जब भी मैं न्यू वीडियो डालूंगा।